एंड आज हम करेंगे, देखो अब ये तो अभी तक हमने क्या किए, वन डायमेंशनल के वो कर रहे थे हमने, ठीक है मैम, यस मैम। अभी तक कैसे कर रहे थे हम, वन डायमेंशनल में क्या क्या देखा था, मतलब कि इक्वेशंस पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, वो यस सब मैम, वही देखो, पॉइंट्स कुछ कुछ ऐसे थे जो फालतू ही है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे जैसे सिचुएशंस में देखते हैं, ठीक है। मेन हमें क्या रखना है, एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का, कि इंस्टेंटेनियस में उसी टाइम की बात कर रहे हैं और एवरेज में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की बात हो जाती है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात हो जाती है। ओके तो अब अगर हम मैम फर्दर करते हैं कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पर क्या है ना, फ्री फॉल वाली सिचुएशन है, ये मेंशन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में यही लैंग्वेज ही अभी आ ठीक है। जाएगी। तो क्या होता है, क्वेश्चन में यही मेंशन होता है, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर फ्री फॉल, कुछ इस तरीके से, या हमने फेंका, ठीक है, तो वो फ्री फॉल में ही आता है। देखो अब ये क्या है, कोई पर्सन यहाँ से बॉल फेंक रहा है, ठीक है, फुटबॉल है जो उसने ऐसे फेंकी, ठीक है। सो यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ पर एक ये इसने बॉल इसके हाथ में है, तब क्या चीज है कि यहाँ पर कोई मोशन नहीं है, अभी तो उसने बॉल एज इट इज लेके खड़ा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी यस इनिशियल मैम, वेलोसिटी जीरो होगी और एनर्जी का हमने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, करेक्ट। सो क्या होता है, यहाँ पर जब हाइट पे अटेन करती है तो वैसे आपकी टोटल एनर्जी क्या होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है। वैसे तो ये हम आगे करेंगे बट थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जब हाइट पे है और मोशन आपका जीरो है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वैसे क्या होती है, दैट इज 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास mgh। तो जब वो हाइट पे है, अब ये चीज तो आपकी जीरो हो गई, तो टोटल एनर्जी आपकी कितनी हो गई, दैट इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी वाली बात, ठीक है। और उसके बाद जब ये मोशन यस में है, मैम, अब यहाँ पर मोशन में है, तो इस टाइम पर, अब देखो इस टाइम पर हम हाइट क्या है, हम सरफेस से लेंगे, तो अब यहाँ पर आपकी हाइट जीरो हो गई है और क्योंकि वेलोसिटी थी इसकी मोशन में, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। अब देखो कोई बॉल है तो क्या वो ऐसे सीधे आते ही एकदम यहाँ पर गिर जाएगी, रुक जाएगी, रुकेगी नहीं, दोबारा मैम, बाउंस होगी, है ना, दोबारा बाउंस होगी और धीरे 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 ऐसे रुकेगी, ठीक है। यस मैम, तो मतलब उसकी हम फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर एक पॉइंट पर होगी, जैसे बाउंस हुई, उसके यस बाद मैम, बाउंस होने के बाद क्या होता है, 2 मिनट मतलब कुछ थोड़े से टाइम के लिए रुकी, फिर वापस आई, है ना, तो ऐसे चीज होती है। अब देखो जैसे बोल रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन बॉडीज इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये ठीक सिर्फ है। आपके पास नहीं है, डायरेक्टली फोर्स का जो हम बात करते हैं, सिर्फ ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, जो कि आपका जनरली फोर्स क्या होता है, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, करेक्ट। यस अब मैम, ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg सिचुएशन बनेगी, ठीक है। सो ठीक जो है मैम, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी वो क्या होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसे हम जी से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, ठीक है मैम, यस इस तरीके से। सो इट इज योर फोर्स देयर, एंड देन इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अब ये मैम, मेंशन्ड होगा, देखो एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मैं यही हाईलाइट करती चल रही हूँ, ठीक है, कि जो लैंग्वेज हमें पकड़नी है ये चीजें। सो ठीक अगर है। एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस है तो उसमें क्या होगा, क्योंकि एयर का कोई रेजिस्ट नहीं कर, उसमें उसमें मतलब आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि एयर की वजह से मतलब हवा चल रही है तो वो मुड़ गई, है ना, हम ये सोचेंगे हाँ कि हमने बॉल नीचे फेंकी बट वो हवा चल रही है, जैसे इवन शटल बैडमिंटन में खेलते हैं तो हवा चल रही है तो वो अपने डायरेक्शन से उधर उधर चली जाती है, हाँ मैम, तो नीचे वो चीज गिर नहीं देखेंगे, हाँ गई। वो यस मैम, चीज नहीं देखनी, हमें सीधा पाथ देखना है, स्ट्रेट मोशन देखना है, ठीक है। ठीक तो है। इट इज फाउंड दैट ऑल बॉडीज इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज वेट और कंपोजिशन फॉल विद सेम एक्सेलरेशन। अब जो ये जी यस है ना, ये आपका फिक्स्ड होता है, अर्थ पे इसकी क्या है वैल्यू, दैट इज 9.8 m/s² जनरली यही है मैम, आपके पास, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर वाली सिचुएशन। बट मोस्टली क्या होगा, आपको कुछ ऐसा भी गिवन है दैट 9.8 को हम अप्रोक्स 10 के अप्रोक्स ले सकते हैं, है ना, कभी कभी ये मेंशन्ड होगा, अगर मेंशन नहीं है तो हम 9.8 ही लेंगे मोस्टली, ठीक है। हेलो, हेलो। यस हाँ जी, ठीक है। हाँ देन यहाँ पर है हमारे पास, अब ये मोशन क्या है, फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम सम स्मॉल एल्टीट्यूड। अब अगर यस हम मैम, बात करें अर्थ के रेडियस की, ठीक है,
सो अर्थ का रेडियस क्या होता है ना, हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है. अगर मीटर में चेंज करें तो 64, एक तो दो ये हो गया और तीन आएगा किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर. ठीक है, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, अब ये दो है और ये तीन है, तो 10^5 लिख सकते हो ना इसको. ठीक है, तो देखो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ये. तो इसकी कंपैरिजन में अगर देखो इतना बड़ा हम पहुंचेंगे, 64,000 किलोमीटर, आप क्या कंपेयर कर सकते हो ऊपर तक इतना पहुंचना. एक एरोप्लेन वाली सिचुएशन तो हो सकती है, बस उससे पहले कोई नहीं होगी. बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, कोई चीज फेंक रहे हैं, वो इतना हम फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे. करेक्ट, इवन कि किसी टॉल बिल्डिंग पे भी हो आप, तब भी इतना ऊपर नहीं जाएगा ये. ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, जो एच एच को अगर हम कंपेयर करें आर से, तो वो ये होगा कि एच आपका काफी स्मॉल होता है विद रिस्पेक्ट टू आर, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फ्री फॉल. ओके, इस कंडीशन को हम बोलते हैं दैट इज फ्री फॉल, इस तरीके से. सो एन आइडियल वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी इन विच एयर रेजिस्टेंस एंड स्मॉल चेंजेस इन एक्सेलरेशन विद हाइट. अब जो कि आइडियल वन डायमेंशनल मोशन में हम क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को हटा के ही चलते हैं. तो यहाँ पर इस चैप्टर में जहां भी आपकी ये चीज आएगी, वहां पे हमें हटानी ही है. ठीक है, यहाँ पर कोई रोल नहीं है उन चीजों का, हमें सिर्फ एक फोर्स देखना है जो कि ग्रेविटी वाला फोर्स होगा. ठीक है, और या फिर अगर कुछ अप्लाइड फोर्स होगा तो वो आपको मेंशनड होगा. ठीक है, सो अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि बॉडी है कोई, सम हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि पहले तो वो लेके खड़ा है जस्ट, उसने फिर छोड़ी है, उसके बाद उसमें वेलोसिटी आई है. करेक्ट, सो इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे जाएंगी, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट दैट मींस यू जीरो, एक्सिलरेशन क्या बन गया, प्लस जी, क्योंकि देखो जी ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ सरफेस पे लगती है, तो नीचे की तरफ तो आपकी जी पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करती है, बट अगर हम कोई बॉल ऊपर फेंक रहे हैं तो उसमें एक्सिलरेशन क्या होगी, माइनस जी. तो फिर यहां से वही अगेन, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो इन सब में अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे. अब जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, आपकी टोटल हाइट, क्योंकि इतना ही उसने कवर किया. करेक्ट, हम इधर यहां से बॉल नीचे गिरने तक का मोशन देख रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी इक्वेशंस आपकी इस तरीके से बन जाएगी. क्लियर, ठीक है मैम. और देन इंस्टेंटेनियस होगी एच एन, जो कि एस एन लेते थे हम, ए बाई टू टू एन माइनस वन, वो भी आपके पास इस तरीके से बन जाएगी. ओके, यस मैम. एंड देन इसके बाद, अब ये तो था इस तरीके से, अब हम ग्राफ की बात करते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, ठीक है मैम. ग्राफ इस मोशन के लिए, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर फ्री फॉल. ठीक है, सो अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. अब जैसे कि हमने फर्दर देखा, कुछ एक टोटल हाइट उसकी दी हुई थी. ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका, देखो हाइट अगर हम कंपेयर करें और जी हम देखें, तो बॉल क्या होगा, बड़ी जल्दी नीचे आएगी. जैसे अगर हम ऊपर, है ना, क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कोई चीज आपने फेंकी है, बॉल फेंकी है, वो क्या होगा, अगर कोई ऊपर से फेंक रहे हो तो टाइम आपका बहुत कम लगेगा, है ना. ऐसा तो नहीं है कि वो हाथ हवा में तैरती तैरती आएगी. अगर उसको बलून लगाओगे, पैराशूट लगाओगे, तो वो चीज आपकी रोकेगी, वरना तो वो स्पीड में आती है. करेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम के कंपैरिजन में बहुत जल्दी कवर कर जाता है, कुछ इस तरीके से, है ना. टाइम बहुत जल्दी आपका होगा और डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ता चल जाएगा इस तरीके से. ठीक है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ इस तरीके से. एंड देन अब हम वेलोसिटी की बात करें, तो अब देखो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है ना, टाइम के साथ साथ. तो यही ग्राफ, अब देखो जो हम पढ़ रहे थे ग्राफ, हमने क्या पढ़ा था, कि कुछ इसकी पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ रहा है, पॉइंट टाइम बढ़ने के साथ साथ ये चीज बढ़ रही है. तो अगर ये S1 है,
और ये आपके पास एस टू है, तो देखो एस टू आपका ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव फॉर्मेशन में ही जाएगा ऊपर, बट यहाँ पर कुछ होल्ड करेगा, इनिशियली कुछ आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होल्ड करेगा, करेक्ट? ठीक है, इस तरीके से होल्ड करेगा ना ये चीज, यहाँ तक क्लियर है? हेलो, हेलो। लेकिन हाँ देखो यहाँ तक अगर हम इसको जीरो पॉइंट से टच कर रहे हैं अगर इसको, तो हम मतलब टाइम जीरो ले रहे हैं, तो टाइम जीरो से फिर हम ये चीज देख रहे हैं कि इनिशियली आपकी ये चीज आ रही है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम की कंपैरिजन में, ओके? एंड देन अब बात करते हैं एक्सिलरेशन की, तो अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, एक्सिलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वही चीज है, तो क्या होगा, एक्सिलरेशन क्या आएगा आपके पास, कॉन्स्टेंट वाली बात होगी, करेक्ट? अब कांस्टेंट तो होगा, लेकिन क्या कांस्टेंट वैल्यू होगी, दैट इज जी, क्योंकि बिल्कुल यही एप्लीकेबल होती है। अब ये देखो जी की वैल्यू फिक्स है, वो चाहे आप इस हाइट पर लगा लो, चाहे आप यहाँ बीच में कहीं लगा लो, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी, ओके? और यही हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, जी। ये चीज क्लियर? ठीक है मैम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे ग्राफ हो गए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऐसे। अब देखो जैसे अब हम ग्राफ उस टाइम पे पढ़ रहे थे, अब ये हमारे ये पता लगेंगे कि कैसे कैसे ग्राफ्स है, ठीक है? अब देखो एक चीज पता होती है तो उससे हमने दोनों चीजें निकाल ली, ठीक है? मैम ये तो आप ही ऐसे निकाल पाए नहीं, अब पढ़ोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा, देखो जो पढ़ाया जाएगा उसी में से आएगा, इतना भी आउट ऑफ हो। सिलेबस नहीं जाएगा, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से होगा। So, अब वही चीज, इक्वेशंस आपकी बनेगी SUT, हाँ, S क्या बनेगी, H क्या बनेगा आपका, हाफ AT स्क्वायर वाली सिचुएशन, जो ये चीज मैं मेंशन करी थी, तो ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि फिर यही पुट करनी होगी हमें, ओके? जरूरी नहीं है कि हाँ ये इक्वेशन याद करो, बस ये चीज याद कर लो कि फ्री फॉल में ये चीज एप्लीकेबल होती है, तो उसके बाद ये तो याद रखेंगे ही हम, है ना? तो फिर वही चीज यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो गया, 2 मिनट में ये चीज भी आई जाएगी, ठीक है? तो ये याद करो ना करो, बट ये डेफिनेटली याद करो कि फ्री फॉल में आपकी ये कंडीशंस होती है, u0 a+g होता है, और वेलोसिटी आपकी फर्दर बस यहाँ तक पुट कर लो, वो gt तो यही इक्वेशन बन रही है, ठीक है? तो ये दो चीजें होती है, तो जब कभी भी मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, जब कभी भी फ्री फॉल होगा दैट इज u0 एक्सेलरेशन प्लस जी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है मैम। अब हमने क्या किया, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो अब ये तो हम फ्री फॉल में क्या ले रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले रहे थे, ठीक है, बट अब हमने क्या किया, कुछ वेलोसिटी के साथ है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, तो एक्सिलरेशन तो आपका प्लस जी होगा, बट इनिशियल वेलोसिटी कुछ होल्ड करेगी, सो दैट मीन्स यू आपकी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जीरो नहीं होगी, ओके? सो बस वही चीज आपकी पुट करनी है, तो वही वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर ये चीज बन जाएगी, बस हमें ये दो चीजें याद रखनी है, ओके? ठीक एंड देन उसके बाद, अब ये तो था जब कब बॉडी नीचे गिर रही है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब बॉडी ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब क्या रिएक्शंस होंगे। सो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस जी, है ना? एक्सेलरेशन बन गया माइनस जी, और वही फेंकने के लिए इनिशियल क्या लेके चलेंगे, वैल्यू हाँ इनिशियल हम लेंगे यू, क्योंकि देखो पहले अभी जैसे हम लेके खड़े हैं तो ठीक है उस टाइम पे हाइट है, बट यहाँ पर इसको हम सरफेस पे मान के चलते हैं ना कि अब इसने यहाँ पे ऊपर फेंकी है, ठीक है, ये वाली हाइट तो वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है, टोटल एनर्जी मतलब ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर काइनेटिक होगी, ओके? तो ये चीज अब हमने बोला कि हमने उसको इस वेलोसिटी से फेंका, तो यहाँ पर इसने वेलोसिटी गेन की, लेकिन इस पॉइंट पर एक बार वो रुका फिर वापस आया, तो जब हम जाने वाला मोशन देख रहे हैं, ठीक है, दो मोशन है, एक बार तो ऊपर जाती है और एक बार नीचे आएगी, ठीक है, तो जब ये माइनस जी अप्लाई कर रहे हैं तब आपके पास इनिशियल क्या होगी, दैट इज यू होल्ड करेगी, ठीक है, तो वो ये इक्वेशंस बनेगी। अब मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगी, मैक्सिमम हाइट मतलब जब एक हाइट पर वो रुक जाएगी
उसके बाद नीचे गिरेगी वापस, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, जहां से उसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पॉइंट तक, करेक्ट, ठीक है मैम। यस ठीक है। तो वो कैसे होगी, मैक्सिमम हाइट जब हमारी ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, एक टाइम पे जस्ट वो रुकी तो उस टाइम पे उसकी कितनी हाइट है, तो उसमें आपकी ये इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। अब वी जीरो हो गया, ओके। ये है जब क्या है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, ये चीज याद रखो, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बॉडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अपवर्ड मोशन भी होगा एंड देन डाउनवर्ड मोशन भी होगा, ओके। बट हम दो अलग अलग टाइप लेंगे, कि अपवर्ड मोशन में आपके पास ये ए माइनस टी चला जाएगा, फिर डाउनवर्ड में क्या होगा, अब डाउनवर्ड में ये इनिशियल बन गई और ये वाली फाइनल बन गई, करेक्ट यस है ना। अगर उसको वापस हाथ पे ही कैच करनी है, या फिर वो सोचेगा कि अच्छा चलो मैंने ऊपर फेंक दी, अब नीचे कितनी देर में गिरती है, तो फिर हमें ये वाली हाइट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, है ना। टोटल डिस्टेंस देखेंगे, इनिशियल से फाइनल देखना है हमें, राइट। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखो मोशंस है, ठीक है। वही पहले हम मोशन सीखेंगे, तभी हम क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये है इसकी तरफ से ग्राफ। अब देखो जैसे वही चीज बोल रहे हैं, हमने क्या किया, ऊपर फेंकी, ठीक है। तो पहले क्या किया, उसने डिस्टेंस इंक्रीज किया, करेक्ट, क्योंकि कुछ एक यस हाइट तक मेंटेन करेगा, फिर वो वापस आएगी। तो देखो जब जा रही है तो वो लीनियरली जाएगी, एंड देन एक मैक्सिमम हाइट कुछ टाइम के लिए होल्ड करेगी। ये हमने कर्व इसीलिए लिया है, वैसे तो नॉर्मली ये चीज होती है ना, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, लेकिन ये चीज थोड़े से मिनिमम टाइम के लिए होल्ड करती है, दैट्स व्हाई हमने इसको कर्व लिया है, ठीक है। तो कर्व लेने का मतलब ही ये है, एंड देन फिर वापस नीचे आएगी। अब ये चीज वापस नीचे की तरफ है, यहाँ पे क्या है आपके पास, प्लस जी, यहाँ पर क्या है, माइनस जी, ओके। ठीक तो ये तो थी एक्सिलरेशन। अब ये डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से है, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में लगाते हैं। अब देखो ये इंक्रीज हो रही है कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसके लिए क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है ना। ठीक तो जब बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, वही देखो ग्राफ अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी वाली सिचुएशन में जैसे जाएगी, ठीक है। तो अब ये घट रही है ना, तो हम घटने के उस पे लेंगे, करेक्ट। यस पहले कुछ पॉजिटिव होल्ड करेगी एंड देन फिर घटेगी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक अब यही चीज फिर क्या होगी, एक्सेलरेशन तो होगी आपकी, ये ऊपर जाते वक्त जी होगी और नीचे आते वक्त ऊपर ये वाली, एक तो जी होगी कुछ टाइम के लिए, फिर वो रुकी, फिर उसके बाद वो प्लस जी में चली जाएगी, करेक्ट, यस ओके। बट हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, तो जब मैक्सिमम हाइट मतलब ऊपर जाने तक का मोशन, तो ऊपर जाने तक के मोशन में वो सिर्फ माइनस जी रहेगी, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। एंड देन अब फिर वही चीज है, अब आपके पास देखो टाइम वाली सिचुएशंस हो जाती हैं, कैसे कैसे मैटर मैटर करेगा। तो मैम। अब देखो यहां से अब हम क्या देख रहे हैं, कि जो मास पे कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे वो बॉडी छोटी सी बॉल हो या आपने कुछ बड़ी चीज फेंकी है, बस हाइट का फर्क होगा कि वो कुछ कम अटेंड करेगी भारी होने की वजह से, लेकिन जी जो लगेगा आपका, एक्सेलरेशन जो लगेगा वो आपका फिक्स्ड लगेगा, 9.8, ठीक है। अब अगर मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन, ठीक है, देखो कितने नाम हो गए है ना, तो क्या होगा, मास, एक्सेलरेशन और एनर्जी, ये सब चीजें आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। जबकि स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज होती रहेगी, क्योंकि देखो स्पीड क्या होगी, पहले तो हमने उसको कुछ स्पीड दी, लेकिन जब वो धीरे धीरे रुकेगी तभी तो वो नीचे आएगी, करेक्ट। और मोमेंटम की बात करते हैं, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो वही स्पीड और वेलोसिटी जब दोनों चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, एक बार तो ऊपर जा रही है एक बार नीचे आएगी, तो मोमेंटम भी आपका चेंज होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, शुरू में तो वो काइनेटिक एनर्जी होल्ड करेगी, बट एक टाइम पर जब वो यहाँ रुक गई तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मोशन थोड़ा सा रेस्ट पे आ गया यहाँ पर, करेक्ट। और ठीक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर तो होगी लेकिन नीचे नहीं होगी, तो ये भी चेंज हो रही है, ठीक है। ठीक सो मोशन क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट है मास ऑफ बॉडी, देखो एक ही चीज बार बार बोल रहा है, मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या सिचुएशन है, जो आपके पास ये बनेगी इक्वेशन, अगर हम बात करते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच मान लो इसको हाइट, ये है अगर, ठीक
ठीक है, तो यू तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब ये हाइट मेंटेन कर रहा है तो यू तो आपके पास 0 आ जाता है, करेक्ट। तो ये कितना बनेगा आपके पास, जो टाइम वाली सिचुएशन है देखो इसको कैसे निकालोगे, ये वर्ड बन गया ना अपॉन में 2h/g, क्योंकि ए क्या लग रहा है, जी की तरफ, ठीक है। ओके, तो ये इस तरीके से। अब फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, मतलब 2gh, ये वाली चीज, तो ये 0 हो गई, तो फिर वही चीज क्या बन रही है, वी इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, ठीक है। तो ये दो दो फॉर्मूलाज बने हमारे पास इस तरीके से। ठीक है मैम। कब बन रहे हैं, जब सेम हाइट से सेम टाइम पर ग्राउंड में पहुंच रहे हैं दो बॉडीज, ठीक है, सेम वेलोसिटी पे। ओके, ठीक सो इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी अगेन टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू फॉल डाउन। अब दोनों जो टाइम होता है ना, जैसे एक बार ऊपर गई एक बार नीचे गई, ये टाइम दोनों का सेम होगा, क्योंकि शुरू में तो वो जल्दी कवर कर लेगा, फिर धीरे स्पीड होगी, फिर बहुत एक जल्दी स्पीड से आएगी, इस तरीके से, है ना। तो ये टाइम जो होगा आपका वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वल टाइम पे जा रही है, तो टाइम ऑफ डिसेंट मतलब कि नीचे आने वाला टाइम, और टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने वाला टाइम। अब ये आपके पास फिक्स्ड है, कितना रहेगा, यू बाई जी, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन एक्सिलरेशन वाली सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि एक्सिलरेशन क्या होता है, यू बाई टी, राइट। तो यहां से हमने क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, तो वो यू बाई ए कर देंगे ना, और ए की वैल्यू जी है, क्लियर। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि उसने कितना टाइम ट्रेवल किया आने, ऊपर जाने का, नीचे आने का, तो T1 + T2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 times of u by g, ठीक है। तो अब ये चीज पूछी जाएगी, ये तो बोलेंगे, ऐसे भी पूछ सकते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट बताओ, टाइम ऑफ एसेंट बताओ, या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। सो अगेन मोशन अंडर ग्रेविटी में स्पीड विद विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप इज इक्वल टू स्पीड विद विच इट इज कम्स बैक टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि इस चीज से जितनी वेलोसिटी, जो ये चीज आ रही है सेम एंगल बनाते हुए, ये प्रोजेक्शन तक आपकी कैसे बनाएगी, सेम चीज बनाएगी वेलोसिटी में, ठीक है। यहां तक क्लियर। ठीक देन अगर हमारे पास एक और सिचुएशन है जहां पर आपकी बॉडी की बात होगी, जस्ट होल्ड ऑन, अब ये जैसे कि वो उसी पॉइंट में, सेवेंथ पॉइंट में, एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन पाथ इज सेम वेदर द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये क्यों बोल रहे हैं वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब a1 a2 है, तो जो चेंज रहेगा du में, चाहे वो du1 time हो या du2 time हो, ये भी इक्वल रहेगा, राइट। तो इस तरीके से अब बोल रहे हैं, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, इट रीचेस आफ्टर टाइम t सेकेंड्स ऑन अर्थ। जैसे अब बिल्डिंग से उसने ये बॉल कैसे किया, पहले इसने ऊपर फेंकी, डायरेक्ट नीचे नहीं फेंकी, अगर डायरेक्ट नीचे फेंकता तो वो फ्री फॉल होता, लेकिन इसने क्या किया, पहले उछाला फिर देखा, तो इसने और ये वाला डिस्टेंस उसने बढ़ा दिया, ये वाली चीज, करेक्ट, ठीक है। सो सेम बिल्डिंग से टू बॉल्स आर थ्रोन, अब दो बॉल फेंक रहा है वो, एक तो वो ऊपर से फेंक रहा है, एक नीचे से फेंक रहा है, तो टाइम दोनों का कैसे, कब वो क्या होगा, एक दोनों एक दूसरे से मिलेगी विद सेम वेलोसिटी यू एंड दे रीच अर्थ सरफेस आफ्टर T1 and T2 seconds। तो हमारे पास टोटल टाइम वाली सिचुएशन क्या होगी, दैट इज अंडर रूट T1 T2, ठीक है, ठीक है मैम। ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, ये काफी टाइम, मतलब यही चीज होगी, ये याद रखने वाली चीज है, कि आपने एक बॉडी ऊपर फेंकी, एक बॉडी नीचे फेंकी, एक का टाइम है जो ऊपर वाली फेंकी है वो T1, दूसरी वाली T2, ठीक है, मेंशन भी है यहाँ पर, ये है आपके पास T1, ये है आपके पास T2। सो अब ये कितना है टोटल टाइम, दैट इज अंडर रूट T1 T2, राइट। देन बोल रहे हैं, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अब एयर रेजिस्टेंस को हम देख रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कुछ अंडर एक्सिलरेशन प्रोवाइड हो रही है, एयर मतलब हवा का कुछ ना कुछ प्रभाव आ रहा है, ठीक है। तो
तो क्या होगा, वो एक्सिलरेशन में ही तो एड अप होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है ना। अब ये सर डिपेंड करता है कि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है या उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या तो जी प्लस ही होगा या जी माइनस ही होगा। अब ये हमें समझना है, ठीक है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस कब ले रहे हैं, जब आपने, अब टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब क्या है, ऊपर जाने वाला। अगर हवा चल रही है तो वो ऊपर जाने के लिए उसको रोकेगा, लेकिन नीचे जाने के लिए उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम सोचे कि रूम में पंखा चल रहा है और हम बैलून फेंक रहे हैं, ठीक है, थीके? तो पंखा भी तो हवा फेंक रहा है, तो वो बैलून तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले ही नीचे गिर जाएगा, है ना। या तो हमें ऐसा फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट नॉर्मल फोर्स में ये जी जो, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो इस तरीके से ये सिचुएशंस होंगी। तो अब जो टाइम ऑफ एसेंट है, मतलब कि जो ऊपर जाने वाला है, वो लेस होगा बजाय टाइम ऑफ डिसेंट, क्योंकि वो ज्यादा आपके पास सिचुएशन होगी ऊपर जाने की। ओके, क्लियर। सो इनिशियल वेलोसिटी, अब ये टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज यू जी बाय जी प्लस ए, और हाइट कितनी हो जाएगी, दैट इज वही यू स्क्वायर बाय टू टू जी जो हम ले रहे हैं। हाँ, जस्ट ये जी था, जो टी क्या था, यू यू बाय जी था, और एच क्या था, यू स्क्वायर बाय टू जी था। तो वही चीज आपकी, जी कितना बन गया, जी प्लस ए, जी को रिप्लेस किया बस हमने, ठीक है। अब ए क्या है, अच्छा अब देखो यही चीज, अगर ए आपको रिटार्डेशन है फॉर अपवर्ड मोशन, है ना, ऊपर जाने के लिए रोक रहा है, तो वो उस चीज में ऐड होगी, ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद अब यहां पर हम देखते हैं कि जब ये डाउनवर्ड मोशंस में है, ठीक है। सो अब डाउनवर्ड मोशन के लिए, अभी तक तो हमने ये अपवर्ड में किया था कि जी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। अब डाउनवर्ड में क्या होगा ना, टाइम आपका जल्दी हो जाएगा, है ना, राइट। ऊपर क्या हो रहा है, जैसे फैन वाली सिचुएशन हम समझ रहे हैं, ठीक है। बेलून इज प्रोजेक्टेड, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि याद रहेगा, बेलून इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड इन रूम वेयर फैन इज ऑन। ओके, तो यहां से कंपेयर कर सकते हो ये चीज, ओके, क्योंकि ये तो देखो आप अप्लाई कर सकते हो, वही चीज जो हम डेली लाइफ में अगर अप्लाई कर सकते हैं ना, तो उनसे समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। देन अब यहाँ पर क्या सिचुएशन हो जाएगी, अब जो आपके पास डाउनवर्ड मोशन वाली बात है, तो उसके लिए क्या होगा आपके पास, अब वही चीज जी कैसे बन जाएगा, जी माइनस ए में रिप्लेस्ड हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो जी आपका, अब जो एच वाली सिचुएशन है, ये तो यही बनेगी, ठीक है। लेकिन जो टाइम की बात करें, तो टाइम तो हमें बोला था कि T1 T2 इक्वल रहेगा, ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला टाइम, है ना। तो अब उन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, तो T2 टाइम आप निकाल सकते हो ना इसकी टर्म्स में। ये चीज हमने क्या किया, इक्वेट किया, यू स्क्वायर बाय टू जी प्लस ए टाइम, और ये वाला डिस्टेंस देखो कैसे, ये कैसे था, एच क्या था, यू स्क्वायर बाय टू जी प्लस ए। अच्छा, हमने हाइट, अभी हाइट को मेंटेन किया है यहाँ पर इस तरीके से, मतलब को हमने एच की वैल्यू को मेंटेन किया है, क्योंकि सेम हाइट, जितनी ऊपर जाएगी उतनी नीचे आएगी, है ना। अगर ये इतना ऊपर जा रहा है तो इतना ही नीचे आ रहा है, ठीक है। टाइम को ना छोड़ के हमने इसको किया, तो टाइम की टर्म्स में निकाला है। ओके, T1 T2 भी कर सकते हो, तो उससे आपकी हाइट के रिलेशन आ जाएगा। ओके, ठीक एंड देन उसके बाद हाँ ठीक है, बस यही चीज T2 T1 का देखना है हमें, ठीक है। एंड कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको ट्राई करते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर, अब क्या कर रहे हैं, थ्रोन अप मतलब कि ऊपर फेंका जा रहा है। तो ऊपर फेंकने का मतलब क्या है, हम फाइनल वेलोसिटी 0 लेते थे, इनिशियल वेलोसिटी कुछ लेते थे, जो कि आपको कितनी गिवन है, 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब यहां पर ये अप्लाई करना है कि एक वर्ड ने देखो क्या चेंज कर दिया, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना होगा, जो यहां पर हाइट ये एच होगा,
ये हमें बताना है। और जी की वैल्यू देखो मेंशन्ड है कि आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो, ठीक है। तो यस एक्सेलरेशन क्या चला जाएगा वैसे तो, माइनस जी ऊपर जाते वक्त, राइट। तो वही ठीक वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी। अब देखो निकालना क्या हमें मैक्सिमम हाइट, तो ये वाली इक्वेशन का तो कोई यूज ही नहीं है, राइट। एस वाला यूज है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो अब देखो टाइम की भी बात है, लेकिन यूज तो नहीं है इसका, लेकिन हमें टाइम निकालना है तो यूज करना पड़ेगा, ओके। सॉरी। सो अब हम क्या करेंगे, देखो ये यूज की बात है, हम ऐसा नहीं है कि वहां से ही निकाल सकते हैं टाइम, हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पर, अब देखो वही चीज है, हम यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो ये दो स्टेप बनेंगे। लेकिन अब इसी में देखो, इसमें कैसे कर सकते हो, वी तो आपका जीरो है ही, ये क्या है माइनस 15 स्क्वायर, ठीक है, और टू, और एक्सिलरेशन क्या हो गया माइनस जी, मतलब माइनस 10, और एस कितना है हाइट, ये हमें बतानी है, ठीक है। एच मान लो इसको, वही मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो अब कितना बनेगा ये देखो, 10 से 10 ये कैंसिल, और ये 5 2 10 और 1 हो जाएगा, 5 3 15 पे कटेगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है, ये चीज क्लियर। तो अब ये कितना होगा 15 3 75/2, ये हो जाएगी आपके पास मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो कितना आएगा ये, दैट इज 34.5, एक मिनट 45 होगा ना ये, हाँ ठीक है 24.5 आएगी, ठीक है। यस मैम, क्लियर है ना, हाँ मैम क्लियर है। तो इस तरीके से अब देखो, अब चलो ये सिचुएशन ठीक है, अब यहाँ से नहीं करते। मैम इसका मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला आपने देखो क्वेश्चन बनाया, अच्छा आपने ये वी स्क्वायर से बना दिया मैम, हाँ। लेकिन देखो जैसे अगर आप पढ़ रहे थे, देखो अब ये बोल रहे हैं कि मास नॉट इन्वॉल्व, मैक्सिमम हाइट वाली बात बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में भी पढ़ी थी हमने, देखो कहाँ पढ़ी थी, जब अबव फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमने कितना लिया था, एच कितना है आपके पास, ये इस तरीके से, मैक्सिमम हाइट पे वी जीरो है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, या फिर यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो h कितना बनेगा, दैट इज u स्क्वायर बाय 2g, करेक्ट। और यही आपको वैल्यूज गिवन है, ये कितना है 15 × 15, और ये 2, और g कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गई आपकी हाइट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसको भी कर सकते हो 5 3 and 10 2, तो वापस वही सिचुएशन बन गई, ठीक है। तो ये भी इतना ही आएगा, क्लियर। तो वही चीज है, या तो ये वाला फॉर्मूला रखो, लेकिन मैंने इस फॉर्मूले को रखा ही नहीं याद, मुझे तो मैं बस ये ये था कि बस जानना वेलोसिटी चाह रहा रखा है। था कि वो जो टू आ रहा है मैम, वो बीच में मैम, जैसे अगर आपने पीछे वी वाले फॉर्मूले से किया, अच्छा तो आपने वो, अच्छा ठीक है मैम, हाफ स्क्वायर बाय टू वो अलग किया है मतलब, हाँ बिल्कुल, तो मैम वही मैं बस पूछ रहा था कि टू कहाँ से आ रहा है इसमें, जैसे ये तो अपन फॉर्मूले में ही है, देखो एक इक्वेशन तो हाफ वाला है एक में, टू वाला है, मैंने हाँ जस्ट ठीक ये वाला देखा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम का रोल ही नहीं देखा। तो v तो आपके पास जीरो है, ये माइनस 15 × 15, फिर टू, और ये कितना बना माइनस 10, ये हो गया आपके पास h हाइट, ठीक है। तो वही कितना बनेगा ये माइनस 15 × 15, एंड यस देन मैम, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा ना, 2 × 10, वही चीज आ गई, ठीक ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से तो ये बन रहा है। अच्छा देखो सॉल्व करके गलत कर रहे थे हम, कितना है ये 3 और ये 2, तो एक 2 कितने पे कटेगा, 1.5, है ना, और एक कटेगा आपका 7.5 पे, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 11.25। मैं 22 वो कर रही थी, मैथमेटिक्स मिस्टेक, यही सिली मिस्टेक हो जाती है, देखो करते कुछ है और आता कुछ है, ठीक है। ठीक तो ये वाला करेक्ट आंसर है। देन अब हम करते हैं, चलो आज तो हम यही किया ना फ्री फॉल वाला, तो इसी के ही करते मैम, हैं, फिर उसके बाद, वैसे इसके बाद हम करेंगे, हाँ फिर ये स्ट्रेट लाइन वाला खत्म है, फिर तुम्हारा, हाँ एक वेरिएबल वाला पार्ट रहता है उसमें इंटीग्रेशन जब आता है, क्योंकि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में होती है, जो आपके पास ये वी इक्वल टू यू प्लस एटी ये सब जो इक्वेशंस है ये कब होती है, जब एक्सिलरेशन क्या होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें कैसे ट्रीट करना है हमें, ठीक है।
तो अभी एग्जांपल ही कर लेते हैं इसके, बाकी वो नॉन यूनिफॉर्म वाला नेक्स्ट में करेंगे, फिर प्लेन की तरफ चलेंगे, ठीक है? तो ये है क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या क्या मेंशन है। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब ये ऊपर फेंकी जा रही है, ठीक है? ऊपर फेंके जाने का मतलब स्पीड यहां पर तो क्या है, यू, ठीक है? ये वी क्या हो जाएगी इस टाइम पर, जीरो, करेक्ट? अब डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ इट्स एक्सेंट टाइम, मतलब इस लास्ट टी सेकेंड में कितना इसने डिस्टेंस कवर किया। तो देखो जो हम लिखते थे, अब टी सेकेंड की बात कर रहा है, लास्ट टी सेकेंड, तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया ना, किसी एक फिक्स टाइम के लिए पूछ रहा है, ठीक है? तो वही हम क्या करते थे, एस एन इक्वल्स टू, ये कितना आता था आपके पास, देखो ये वाली इक्वेशन, हाँ ये होता था ना, यू प्लस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है? ये वाली चीज करते थे। तो या तो इसको करो, हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर देखो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, ये तो लास्ट टी सेकंड की बोल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि टी पुट करना पड़ेगा, वही बात है वैसे भी। तो अगर टाइम ऑफ एसेंट वाली बात करते हैं, जो कि ऊपर जाने वाला है ना, वो क्या है, अगर हमने टी वन लेट किया, या टी लेट कर दो क्योंकि ऑप्शन में आपको टी गिवन है, ठीक है? ऊपर जाने के लिए टाइम टी वन, ओके, यहां तक क्लियर? और ये कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम लेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये टी कितना आ जाएगा, क्योंकि वी तो आपके पास जीरो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यू बाई जी, क्योंकि ए भी आपके पास माइनस जी अप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके? तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये टी आ गया आपके पास, यू बाई जी, इसको टी वन लो, क्योंकि ये लास्ट टी सेकेंड बोल रहा है ना, कंफ्यूज मत होना फिर, क्योंकि इकट्ठे फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? ये टी वन क्या है, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट की, इतने टाइम में वो ऊपर जा रही है, ठीक है? ये जो टाइम है ये टी वन है, ओके? अब टी सेकेंड की, लास्ट टी सेकेंड है, लास्ट टी सेकेंड या तो पूरा भी हो सकता है या थोड़ा भी हो सकता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में मतलब जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तो टी वन प्लस टी टू होता है, बट अभी तो हम सिर्फ एक्सेंट वाली सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर? अब वेलोसिटी, हेलो हेलो, हाँ अब देखो टाइम की बात करते हैं, लास्ट टी सेकेंड है, अब ये लास्ट टी सेकेंड कैसे निकालोगे, टोटल तो है आपके पास टी और टी वन, अब ये वाला जो डिस्टेंस है अगर हम इसको देखें, तो ये कितना होगा, टी वन माइनस टी वाली बात होगी, राइट? तो ये कितना है, अप्लाई करेंगे यू बाय जी माइनस टी, क्योंकि टी आपको सिर्फ यही मेंशन है, तो ये इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? अब ये क्या बन गया आपके पास, दैट इज टाइम, टाइम फॉर लास्ट टी सेकेंड, करेक्ट? तो अब यही चीज आप इसमें अप्लाई करो, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी में, तो वी तो जीरो है, हेलो, तो अब यही चीज अगर हम रखते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस, ये कितना बनेगा, यू बाय जी माइनस टी इंटू ए, ए क्या है आपके पास, जी वाली सिचुएशन है, करेक्ट? तो ए को भी जी रख दो, ठीक है? अब ये कितना बनेगा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी इक्वल टू यू, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा माइनस जी टी, ठीक है? इस तरीके से, लेकिन वी तो आपके पास जीरो है, ठीक है? तो ये तो जीरो है, तो ये कितना बनेगा, यहां से टू यू इज इक्वल टू जी टी, इस तरीके से टाइम बनेगा, करेक्ट? तो ये कितना होगा आपके पास, टाइम आ गया, दैट इज टू यू बाई जी, जो टी की वैल्यू है, ठीक है? अब देखो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट? वैल्यू है, ठीक है? अब यहां पर पुट करो, एस यू आपने दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, टी जो हमने निकाला टू यू बाई जी प्लस वन बाई टू, ए क्या है आपके पास, जी, और टी स्क्वायर मतलब 4 u² बाय जी स्क्वायर, इस तरीके से, एक जी से एक जी कैंसिल, टू से ये 4 2 पे कैंसिल, तो देखो ये क्या है, 2 u² बाय जी तो बन रहा है, ये भी है ना, प्लस 2 u² बाय जी, इस तरीके से, एक सेकेंड, 2 u² बाय जी, हाँ ये भी वही बन रहा है,
करेक्ट? बट हम कर क्या रहे हैं? अगर ऐसे यहां से इस तरीके से निकालोगे तो बात तो वही चीज बन जाएगी, और यहाँ पे ऑप्शन में मैच नहीं करेगा क्योंकि यू और जी की टर्म्स में है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, टू यू स्क्वायर बाई जी मतलब 4। हाँ तो ये देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। देखो यहाँ तो हम कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन यूज करके, लेकिन ऑप्शंस में मैच नहीं हो रहा, तो हम कौन सा इक्वेशन फिर यूज करेंगे? दूसरे वाली, जो कौन सी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू ए एस। अब देखो ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आएगी, ऐसा नहीं है कि आप एक बारी में कर लोगे। अब हमने वो किया, हमें नहीं आई, कोई बात नहीं, हम दूसरी इक्वेशन लगा देंगे। अब ये चीज जीरो, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर, देन टू माइनस जी वाली सिचुएशन, एंड देन एस। अब यू वाली पुट कर दो, तो जो ये यू निकालोगे वो क्या होगा, जी टी बाई टू। तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 2 माइनस जी। तो अब ये जी से एक जी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो कितना आ रहा है, ये नीचे अंदर की तरफ जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 एस है और जी टी स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा ना, अब आपके पास कितना आ जाएगा, ये जी टी स्क्वायर बाय 2 वाली सिचुएशन, करेक्ट? तो अब देखो ये चीज बनी, ठीक है, क्लियर ठीक है? तो इस तरीके से ये है चीजें बनेगी हमारी, ओके। हाँ देखो एक वही, ये यू, ये 2 4 बन रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये माइनस जी लगाओगे ना, ए ये है आपके पास माइनस जी, ए क्या है, माइनस जी है, वही चीज आप कर रहे हो, तो ये यू माइनस जी टी और ये प्लस जी टी बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है? तो ये हमारे पास वी, ये वाली सिचुएशन बन रही थी जी टी, तो वो पुट कर रहे हैं हम, ठीक है? तो आज देखो, आज हमने क्या किया, फ्री फॉल वाली सिचुएशन, ठीक है, जब ये क्या हो रही है, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं हम, करेक्ट, यहां से एक पॉइंट से, देन अपवर्ड मोशन, जब प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फेंका जा रहा है, तो उसमें दो मोशन होते हैं, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला, और अभी तक हमने कौन सा किया, ऊपर वाला देखा है, ठीक है? देन थोड़ा सा नीचे वाले मोशन के लिए भी देखेंगे और ये चीजें देखेंगे, ओके।